नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा उपचुनाव की, देख सकते हो होशंगाबाद के लोकप्रिय सांसद हमारे साथ है। भाई साहब से बात करें, भाई साहब क्या माहौल है? आप तो किसानों के नेता हैं, भैरूदा पूरा क्षेत्र किसानों के माहौल से जाना जाता है। आप देख रहे हैं जनता जनार्दन में असीम उत्साह है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर वर्ग, किसान हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग का भारी समर्थन, एक एक गरीब भाई का भारी समर्थन, हर जाति वर्ग का भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल और माननीय शिवराज सिंह चौहान और आदरणीय रमाकांत जी के साथ है। क्या कांग्रेस बड़ा माहौल बना रही है, राजकुमार पटेल बड़े नेता है, इस बार कांटे का मुकाबला हो रहा है? वो आप भी निरीक्षण कर रहे हैं, कांटे का तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या मुद्दे हैं मुख्य रूप से, किस मुद्दे पर पार्टी यहाँ वोट मांग रही है? हमारा मुद्दा तो एक ही मुद्दा है, विकास। और कांग्रेस जिस विकास की बात कर रही है उसके जमाने में कुछ हुआ नहीं, जनता समझदार है और भारतीय जनता पार्टी जीते। एक और आरोप लगाया राजकुमार पटेल ने कि रमाकांत भार्गव का कोई व्यवहार नहीं है, शिवराज सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसमें देखिए, कैंडिडेट कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय रमाकांत जी हैं और उनका व्यवहार सर्वविदित है। वो हमारे लोकप्रिय सांसद भी रहे और अच्छे बहुमत के साथ जनता उनका। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, किसानों से क्या अपील करेंगे और क्या कहना चाहते हैं आज, क्योंकि चुनाव प्रसार प्रसार थम जाएगा 5 बजे? केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकारें हैं, चाहे केंद्र की नीतियां भी नए लागू करने का काम किया हो, बीमा की राशि दिलाने का काम किया हो, चाहे राज्य के अंदर डॉक्टर मोहन यादव ने जो नए आयाम खेती के लिए विकसित किए हैं और आगे कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि पूरा किसान समाज को पहले भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा था, आगे भी भरोसा करें। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होशंगाबाद के सांसद हैं, भाई साहब लगातार क्षेत्र में लगे रहते हैं, जुड़े हमारे साथ। न्यूज़ की रिपोर्ट, बुधनी विधानसभा चुनाव। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।